एकदम डेंजर जोन है, मतलब ऐसी जगहों में घास काटना खतरे से खाली नहीं है, तो भगवान ही बचाता है ऐसी जगहों से घास काटने में। तो बहुत ही बड़ा रिस्क काम, और पैर पहले मजबूती से अटकाने पड़ते हैं, वो भी नंगे पैर यहाँ पर जाना पड़ता है, तब जाके यहाँ घास की कटाई होती है। पहाड़ों में सूर्यदेव जी के सुबह सुबह के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और बहुत ही शानदार वाला नज़ारा ये पूरा आपको मोहल्ला लखोरा गांव दिखाई दे रहा है। हाँ भैया, घास काट रहे हैं, उस समय ना चल रहा है, और अब ये पूरा घास काट रहे हैं यहाँ से नीचे तक। उसे बनाया सुअर ने, तो पहाड़ में सुअर कुछ ऐसे कर रहा है देखिए, और इस घास की कटाई चलती हुई मशीन से। हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार है नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में, और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, और सूर्यदेव जी भी अभी दर्शन देंगे थोड़ी देर में। और हम आए हुए हैं आज इधर खेत में, यहाँ चलिए हल्की जुताई और साथ में हो गए गोबर की छनाई। तो अभी हम सभी आए हुए हैं और शानदार वाली लोकेशन, और सामने माँ भगवती काली का मंदिर, जहाँ पर एकदम मस्त वाले भजन लगे हुए हैं अभी सुबह सुबह। तो चलिए जी, फाइनली सूर्यदेव जी ने मेरे दर्शन दे लिए हैं, और आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। तो पहाड़ों में सूर्यदेव जी के सुबह सुबह के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और बहुत ही शानदार वाला नज़ारा ये पूरा आपको मोहल्ला लखोरा गांव दिखाई दे रहा है। तो अभी आ गए हम दूसरे खेत में, और यहाँ और लोग भी हल लगा रहे हैं नीचे। यहाँ पर ठीक सामने है रणजीत भाई और उनके पिताजी, और हमको ये वाला खेत भी लगाना है। धूप तो एकदम मस्त वाली। तो आपने इसे पिछले ब्लॉग देखा होगा दोस्तों, जिसमें कि मैंने दिखाया था कि बारिश आ गई थी, तो उसको जो है ना थोड़ा खेत गीले हो रखे हैं। तो दोस्तों, रोज की तरह आजकल जैसे कि खेत में नाश्ता हो रहा है, तो आज भी खेत में नाश्ता हो रहा है। जब तक खेत में हल लगाना है और गेहूं बुदाई नहीं होती, तब तक रोज खेत में ही नाश्ता करते हैं। और इधर भी आ गया, शेर भी आ गया आज। तो अभी सुबह के 10 बज गए हैं, फाइनली वाला खेत भी हल लग गया है। तो दोस्तों, अभी हमारी तैयारी हो गई है घास छाटने की। तो अभी हम भटवाड़ जा रहे हैं, जहाँ हमारे खेत हैं, तो वहाँ से हमें सूखी घास लाने हैं सीधे अपने गौशाले में। भटवाड़ से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता होगा, और यहाँ सामने पर घास की कटाई चलती हुई मशीन से। तो ये रहा रास्ता नीचे जाने के लिए, तो सीधे है नीचे, और ऊपर आने के लिए पूरी चढ़ाई ही चढ़ाई। और यहाँ ठीक सामने मटखाने वाले लगे हुए हैं मिर्च उपाड़ने में। तो इतने बड़े बड़े इनके मिर्च के खेत हैं, देखिए बहुत ही मेहनती लोग, और उन्हें पूरी मिर्च उपाड़ रही है। तो यहाँ पर एक खाई टाइप की बनी हुई है, आप देख सकते हैं मिट्टी काट के। तो दोस्तों, ये बनाया सुअर ने, तो पहाड़ में सुअर कुछ ऐसे कर रहा है देखिए, और इसमें फिर पानी अटकेगा और फिर लेटने आएगा इसमें सुअर, यानी कि जब कीचड़ हो जाएगा ना इसमें पानी भर के, तब इसमें लेटने आए तो आता है सुअर। तो यहाँ रास्ते में हमको मिले मिस्त्री जी, और यहाँ पर घास काट रहे हैं। मिस्त्री जी घास काट रहे हैं? हाँ भैया, घास काट रहे हैं, उस समय ना चल रहा है, और ये पूरा घास काट रहे हैं यहाँ से नीचे तक। बस घास काट काट के परेशान हो गए। अच्छा, तो मम्मी और भाभी यहाँ पर काट रहे हैं घास, और पूरा घास हमको ले जाने अभी, जो सूख गई है लगभग, और बारिश से भीगी भी हुई है, थोड़ी बहुत ख़राब भी हो गई है, और नीचे है गधेरा। तो एकदम डेंजर जोन है जहाँ घास काट रहे हैं, मतलब बहुत रिस्क का काम है।
तो ये वाली पहाड़ आपको दिख रहे हैं सीधे नीचे खाई जैसी, तो यहाँ भी घास काटा और अभी इधर काट रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम डेंजर जोन है, मतलब ऐसी जगह में घास काटना खतरे से खाली नहीं है, तो भगवान ही बचाता है ऐसी जगह से घास काटने में। तो मेरे पास कल की एक क्लिप है जो मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उसके क्लिप में अभी आपको दिखा दूँ कैसे कैसे इस स्थान से घास काटा गया कल। तो बहुत रिस्क का काम ऐसी पहाड़ियों से। तो अभी यहाँ पर भैया और भाभी घास काट रहे हैं और देखिए कितना खतरनाक डेंजर जोन है। तो बहुत ही बड़ा रिस्क का काम और पैर पहले मजबूती से अटकाने पड़ते हैं, वो भी नंगे पैर यहाँ पर जाना पड़ता है, तब जाके यहाँ घास की कटाई होती है। और बहुत ही खतरनाक जगह है, आप देख सकते हैं पूरी एकदम खड़ी चोटी है, खड़ी पहाड़ी है। तो दोस्तों आज आपने मेरे ब्लॉग में देखा कि हमने घास सारे थे, घास सारने के बाद हम लंच कर रहे थे, उसके बाद जब मैं ब्लॉग बना रहा था तो मेरा फोन अचानक वाइब्रेट करने लगा, उसमें एक इमरजेंसी अलार्म बजा, तो उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया था। और फिर मैंने बाद में इस बारे में पता किया, तो जैसे कि मोबाइल में मैसेज आया है कि आपातकालीन संचार बढ़ाने के लिए तकनीकी परीक्षण हुआ था जो 2-3 कंपनी ने किया था हमारे उत्तराखंड में, तो तब जाके ये सब हुआ और कई सारे फोन में आए इमरजेंसी अलर्ट आया। तो दोस्तों ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर और कल एक नए ब्लॉग मिलेंगे, एक नई अच्छी अच्छी चीजों के साथ, पहाड़ की छोटी से बड़ी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय देवी मुद्रा।